नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम लोग जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई एक ऐसा कोई पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वाई क्या हो सकता है। दोस्तों, इसको हमने बताया था कि कसकुटा या अमरबेल का जो पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जो क्या है, ये पैरासाइट है। ये पैरासाइट क्यों है? ये पैरासाइट इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कसकुटा प्लांट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जो छोटी आंत होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है? पचे हुए भोजन का इसमें अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे हम कहते हैं बृहदान्त्र, इसमें क्या होता है? इसमें अवशोषण होता है वाटर का। इसमें अवशोषण किसका होता है? इसमें अवशोषण वाटर का होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो छोटी आंत, इसकी लेंथ होती है 4.5 से 7 मीटर। लेकिन जो इसका व्यास या डायमीटर होता है, ये होता है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। और यही जो बड़ी आंत होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी है? इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। लेकिन इसकी जो डायमीटर है या व्यास हम कह सकते हैं, वो 4.6 सेंटीमीटर है। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं कि जो बृहदान्त्र होता है, इसमें भोजन का क्या होता है? इसमें भोजन का परिचालन होता है, तो ये रॉन्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहदान्त्र में क्या है? उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम दीर्घ रोम कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। हमारा अगला ऑप्शन है कि बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी हमने बताया कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर, और लंबाई जबकि इसकी कितनी है, 1.5 मीटर है। तो इसलिए ये क्या है? ये जो है छोटी आंत से क्या है, ये चौड़ी है, लेकिन छोटी आंत की अपेक्षा इसकी लंबाई कम है। हमारा अगला ऑप्शन है, जो बृहदान्त है इसमें क्या है? पचित भोजन का अवशोषण होता है, तो ये भी रॉन्ग है। अभी हमने बताया इसका छोटी आंत में अवशोषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, जो रेशम का कीट होता है या सिल्क मॉथ होता है, ये किसको फीड करता है? ये मलबेरी, मलबेरी लीव्स की प्लांट को फीड करता है। इसके बाद जो ये सिल्क मॉथ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसका लार्वा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं इसके लार्वा को। इसका लार्वा किस में चेंज होता है? प्यूपा में। और प्यूपा किस में चेंज होता है? कोकून में। तो हम पहले ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, तो ये सही है। अगला है, रेशम कीट के ककून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि जो इसका प्यूपा होता है वो विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये रॉन्ग है। हमसे रॉन्ग ही पूछ रहा है, इसका प्यूपा चेंज हो जाता है ककून में। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सही मिलान करो। पहला ऑप्शन है कि सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में कौन सहायता करता है, तो इसमें पेशी हमारी सहायता करती है। इसके बाद क्या बोल रहा है? कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, तो वो बोन है। इसके बाद कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, तो वो कार्टिलेज या उपास्थि है। इसके बाद वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करता है, तो वो पसली पिंजर है। तो दोस्तों, अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ए का 4 किस में दे रखा है? ए का 4 केवल सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से
मानव की कौन सी ग्रंथि दो या दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों पार्टों से क्या है, हार्मोन का श्रावण होता है और वो एक से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसको हमने बताया था कि जितनी भी मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं और डक्टाइल होती हैं, मैलियेबल होती हैं, मैलियेबल होती हैं, सोनोरस होती हैं, सोनोरस होती हैं। जो नॉन मेटल होती हैं इसके जस्ट अपोजिट होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, डल होती हैं, नॉन मैलिएबल होती हैं, नॉन मैलिएबल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं तो ये रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी अधातुएं क्या है, नॉन डक्टाइल या तन्य नहीं होती हैं, तो अभी हमने बताया ये क्या है, ये नॉन डक्टाइल होती हैं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है, तो वाई क्या हो सकता है? दोस्तों वाई रेयान होता है, इसे प्राकृतिक सोर्स सेलुलोज या वुड पल्प लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प या लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है और ये मानव निर्मित रेशा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करो और इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? तो दोस्तों जो घरेलू ईंधन होता है उसका क्या होता है, उसका ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए? उसका ऊष्मीय मान मध्यम होना चाहिए और मॉडरेट रेट में जलना चाहिए, जिससे क्या है कि वो अधिक अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करे। और वो किस अवस्था में होना चाहिए, वो लिक्विड या गैस अवस्था में होना चाहिए जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेसीज जो रिस्ट्रिक्टेड होती है पर्टिकुलर एरिया में उसे क्या कहते हैं, उसे एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटल एक्स क्या कर रहा है? मान लो ये मेटल एक्स है, ये डिस्प्लेस कर रहा है वाई को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, वाई को डिस्प्लेस कर दे रहा उसके सॉल्ट से। सॉल्ट के रूप में मैंने हेलोजन एक क्लोराइड ले लिया है, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है मेटल जेड को, ये जेड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो ये बोल रहा है सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? तो दोस्तों ये जेड को रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है, जेड है, फिर एक्स है, फिर कौन सी है, वाई, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वही डिस्प्लेस कर पाती है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, वो जेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं और पूर्णतया विसरित ढंग से प्रावर्तित हो जाती हैं, आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? चूंकि दोस्तों ये पूरी तरह क्या है, परिवर्तित हो जा रही है, चूंकि दोस्तों ये किरणें पूर्णतया विसरित ढंग से प्रावर्तित हो जाती हैं और प्रावर्तित होने के कारण ये किरणें क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोई इमेज नहीं बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो दोस्तों हम जानते हैं दो तलों के मध्य जो घर्षण बल होता है, जिनके सापेक्ष कोई गति नहीं होती है, घर्षण बल जिनके सापेक्ष कोई गति नहीं होती है, वहाँ कौन सा घर्षण बल कार्य करता है, वहाँ स्टैटिक घर्षण बल कार्य करता है, तो उसे कौन सा बल लगाना चाहिए, स्टैटिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल लगाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो
तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो ध्वनि का संचरण होता है वो किस माध्यम में होता है, वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, नहीं होता है। तो हम अपने पहले ऑप्शन पे आते हैं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दोस्तों जो पिच होता है साउंड का वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होता है, ये बोल रहा है, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद क्या है कि बोल रहा है कि लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच, तो ये भी रॉन्ग है। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हो उतना ज्यादा पिच होता है। अगला ऑप्शन है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, बोला ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण जो है कंपन की आवृत्ति के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय है जो ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। तो दोस्तों हमने बताया था जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसमें कौन सी चीजें आती है, उसमें मेटल आते हैं, और विद्युत के जो कुचालक होते हैं इसको हमने बताया था, इसमें प्लास्टिक आती है, लकड़ी आती है, रबर आती है, कांच आता है, ये सब क्या है विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन जो शैम्पू होता है, वनस्पति तेल होता है, और डिस्टिल वाटर होता है, इन सभी में क्या है सॉल्ट नहीं होता है, इसलिए क्या है ये विद्युत के हीन चालक हैं। तो विद्युत के हीन चालक कौन है? शैम्पू है, वनस्पति तेल है, अशुद्ध जल है, क्योंकि इसमें जो होता है लवण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? तो दोस्तों इसको हमने बताया था, भौतिक परिवर्तन का मतलब जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। एग्जाम्पल के लिए शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना और पानी का जमना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है और उसकी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना, कागज का जलना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, भोजन का पकाना, बॉइलिंग ऑफ द वाटर, चीनी में क्या है जल को घोलना, अभी हमने बताया चीनी को जल में घोलना, ये भौतिक परिवर्तन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। हमारा अगला ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीना क्या कर रही है? किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर। पहले 10 मिनट में वो कितनी स्पीड से साइकिल चलाती है? 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। रास्ते में उसकी मित्र मिलती है जिससे वो रुककर कितने 15 मिनट बात करती है। इसके बाद की यात्रा वो कितने 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आरंभ करती है? तो वो बोल रहा है उसकी औसत चाल बताओ। तो दोस्तों इसमें हम पहले निकाल लेंगे कि वो 10 मिनट में कितनी दूरी चली, चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। समय हमको 10 पता है, इसको हम घंटे में बदलेंगे तो हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 किलोमीटर, मतलब वो 10 मिनट में कितना दूरी चली है? 2 किलोमीटर। तो शेष जो 2 किलोमीटर, चूंकि उसके घर से बाजार कितना है? 4 ही किलोमीटर है, तो शेष 2 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। किस स्पीड से चल रही है बाद में वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 15 मिनट। 15 मिनट। अब हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना। हम जानते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है,
दूरी कितनी है, कुल दूरी अपान कुल समय, कुल समय कितना है, पहले पहले जा रही है कितने 10 मिनट में, फिर वो जा रही है 15 मिनट में, यहां से 15 मिनट, फिर लास्ट में वो क्या है 15 मिनट, तो जो टोटल समय इतना लग रहा है, तो एवरेज स्पीड जो आएगी इसको सॉल्व करने के बाद 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा, तो उसको हम पृथक कर सकते हैं आसवन के द्वारा भी, उबाल कर भी, निस्तारण के द्वारा, लेकिन जो फिल्टरेशन है इससे नहीं कर सकते हैं। फिल्टरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक बीकर है, इसमें क्या है वाटर है, इसमें मिट्टी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो इसको आप थोड़ी देर तक जो है बिना हिलाए रख देंगे तो ये जो मिट्टी है ये इस पे बैठ जाएगी, फिर आप इससे आसानी से बिना मिट्टी के कणों को डिस्टर्ब करके जल को अलग कर सकते हैं, बट इससे लवण और जल के मिश्रण को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। चूंकि हमसे पूछ क्या रहा है छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए, तो इसमें दो गुण का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा क्या है प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। इन्हीं दो गुणों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है कि जो लोमी सॉयल होती है इसमें बड़े कणों का अनुपात जो बलुआ मिट्टी होती है उसकी अपेक्षा उच्चतर होता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन रॉन्ग है। जो हमारी बलुई मिट्टी होती है इसमें बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है लोमी सॉयल से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्ले सॉयल होती है इसमें जो महीन कणों का अनुपात होता है वो लोमी सॉयल से उच्चतर होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन है कि जो बलुआ मिट्टी है इसमें महीन कणों का अनुपात जो है चिकनी मिट्टी की अपेक्षा उच्चतर होता है, तो ये भी रंग। अभी हमने बताया बलुआ मिट्टी में सबसे ज्यादा किस कण का अनुपात होता है, इसमें बड़े बड़े कणों का अनुपात होता है, और चिकनी में क्या होता है, चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात अधिक होता है। हमारा अगला ऑप्शन है कि जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो ये भी रॉन्ग है। किसमें महीन कणों और बड़े कणों की मात्रा बराबर होती है, तो वो कौन सी लोमी सॉयल है, इसमें दोनों की मात्रा बराबर होती है। हमारा अगला ऑप्शन है, ये बोल रहा है क्या है, विटामिन एक्स की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों में क्या है रुधिर बहने लगता है, तो किस विटामिन की कमी से जो है मसूड़ों में खून बहने लगता है, विटामिन सी की कमी से। यह विटामिन खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है, विटामिन सी किसके हेल्प करता है अवशोषण में, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके बाद बोल रहा है कि जो एक्स है किस भोजन वाई में पाया जाता है, एक्स का मतलब विटामिन सी, ये किस में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, एक्स क्या है, एक्स विटामिन सी है, वाई क्या है, वाई आयरन है, और जेड क्या है, सिट्रस फ्रूट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। दोस्तों ये सभी हमारे थ्योरी में कंप्लीट किए गए हैं, आप लोग वहां से जाके थ्योरी को देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।